नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। नमस्कार, आज हम लोग माननीय सदर विधायक मनीष जायसवाल जी के नेतृत्व में मैं और हमारे माननीय वार्ड पार्षदगण मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने गए थे। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने का मुख्य उद्देश्य था कि जब से नगर आयुक्त आई है तब से हजारीबाग नगर निगम का काम जो है वो ठप सा हो गया है और हम जनप्रतिनिधियों को वो अवहेलना कर रही है। इसीलिए आज हम लोग विधायक जी के नेतृत्व में विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी बातों को रखा कि नगर आयुक्त का ट्रांसफ़र यहाँ से जल्द करवाया जाए या फिर वो हम लोगों का इस्तीफा को स्वीकार करें। इस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोगों को इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं नगर आयुक्त का ट्रांसफ़र करवाऊँगा और जनप्रतिनिधियों का जो सम्मान होता है वो मैं दिलाऊंगा। इसके लिए मैं माननीय सदर विधायक मनीष जायसवाल और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का तहे दिल से साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद। हजारीबाग नगर आयुक्त करीमा सिंह के मनमाने और अड़ियल रवैये के विरुद्ध आज दिनांक 22 दिसंबर 2021 को हजारीबाग सदर विधायक माननीय मनीष जायसवाल के अगुवाई में महापौर रोशनी तिर्की और पार्षदों का समूह झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी से मुलाकात करके एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि जब से नगर आयुक्त हजारीबाग आई है मात्र एक बोर्ड की साधारण बैठक हो पाई है, शहर का विकास मानो थम सा गया है, शहर की साफ सफाई भी सुचारू ढंग से नहीं हो पा रही है। पार्षदों के साथ भी नगर आयुक्त द्वारा कई बार अभद्र व्यवहार किया गया है। इस वर्ष ठंड के मौसम में ना ही कंबल उपलब्ध करवाया गया और ना ही अलाव का व्यवस्था किया गया। महापौर और पार्षदों ने एक स्वर में माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि यदि नगर आयुक्त करीमा सिंह का स्थानांतरण नहीं किया गया तो हम सब लोग अपना सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। इस बात पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोगों को इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है, चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ किसी भी अधिकारी को अभद्र व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था पर कोई भी अधिकारी चोट नहीं पहुंचा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री ने ज्ञापन को स्वीकार करते हुए जल्द से जल्द इस पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर हजारीबाग महापौर रोशनी तिर्की के साथ राजीव कुमार सिंह, राजेश कुमार सिन्हा, विजय प्रसाद, दीपक सिंह, फिरोज आलम, दीपरंजन, दिलीप कुमार साव, बादशाह राम, विश्वनाथ विश्वकर्मा, पंकज कुमार गुप्ता, सुनीता देवी, शशि शर्मा, तारा देवी, सुमित्रा देवी, मीना देवी, शाहीना प्रवीण आदि मौजूद थे। हजारीबाग ब्यूरो मोहम्मद शिबली की रिपोर्ट। गणतंत्र न्यूज की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें।